अजरबैजान ने आर्मेनिया की आर्मी को बनाया निशाना। मिसाइल हमले में कई आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हुई। आर्मेनिया का जोरदार प्रहार, अजरबैजान सेना के साजो सामान तबाह किए, सैनिकों में भगदड़। वॉर जोन में सबसे डरावनी तस्वीर, रिपोर्टिंग के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, भगाकर ट्रेंच में छिपना पड़ा। आर्मेनिया ने अजरबैजान का विमान मार गिराया ग्राउंड जीरो पर। TV9 भारतवर्ष, चेतन और अभिषेक ने दिखाया साहस। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे आतंकियों पर रूस हुआ सख्त, कहा युद्ध क्षेत्र से तत्काल आतंकियों को निकाला जाए बाहर। नागोर्नो काराबाख में मेडिकल सहायता भेजेगा फ्रांस, जंग में घायल लोगों की मदद के लिए भेजी जाएगी मेडिकल हेल्प। महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, कश्मीर में 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगे चुनाव। महबूबा मुफ्ती का तिरंगे पर विवादित बयान, जम्मू कश्मीर के झंडे के अलावा नहीं उठाऊंगी कोई दूसरा झंडा। रविंद्र रैना का महबूबा मुफ्ती पर हमला, कहा महबूबा ने किया राष्ट्र का अपमान, इनकी जगह सिर्फ जेल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नीट अभ्यर्थियों को सेना ने प्रोत्साहित किया, अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आर्मेनिया अजरबैजान जंग का 27वां दिन, अब तक 65,000 से ज्यादा की मौत। अजरबैजान का आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों पर हमला, कई मिलिट्री कैंप तबाह किए। आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर कब्जे का अजरबैजान ने जारी किया वीडियो, टैंक हथियारों से भरी गाड़ियों पर कब्जा किया। अजरबैजान का आर्मेनिया पर बड़ा हमला, आर्मेनिया के कब्जे वाली जगह को धमाके से उड़ा दिया। लगातार तोपों से हमला कर रही अजरबैजानी सेना, नागोर्नो काराबाख में जबरदस्त गोलीबारी। गया की रैली में पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, कहा आज के बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने कहा महागठबंधन के लोग बिहार को बीमार बनाना चाहते हैं, एनडीए का मकसद बिहार को सफल बनाना है। पीएम मोदी ने कहा बेईमानों को बिहार का विकास नहीं रहा सारा, ये लोग देश बांटने वालों के साथ खड़े हैं। सासाराम की रैली में भी बोले प्रधानमंत्री, बिहार में एनडीए के काम के नतीजे दिखे। पीएम मोदी ने हर सर्वे में बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया, कहा बिहार का मतदाता बहुत समझदार है। अजरबैजान के हमले से आर्मेनिया में भारी तबाही, हर तरफ बर्बादी का मंजर। आर्मेनिया का अजरबैजान पर अटैक, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर भी हमला। जंग के वीडियो जारी कर रहा है अजरबैजान, जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश। जंग से तबाह काराबाख में कोरोना से कोहराम, काराबाख में हर शख्स कोरोना पॉजिटिव। जंगली इलाके में भी एक दूसरे पर हमला कर रहे दोनों देशों के सैनिक, अजरबैजानी सैनिकों को निशाना बनाते दिखे आर्मेनियाई जवान। जंग में सामने आई भयानक तस्वीर, काराबाग के जंगलों में बिखरे दिखे अजरबैजानी सैनिकों के शव। पीएम मोदी ने गलवान के शहीदों को याद किया, कहा बिहार के जाबाजों ने चीन को धूल चटा दी। पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना, कहा राफेल की खरीद में दलालों ने रोड़ा अटकाया। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा इन लोगों ने तिजोरी भरने का काम किया, बिहार लूटने वालों को फिर से मौका नहीं मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा बिहार में मातृभाषा में मिलेगी तकनीकी शिक्षा, मातृभाषा में होंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेस। पीएम मोदी ने भारत माता की जय से भाषण की शुरुआत की, भोजपुरी में लोगों को प्रणाम किया। अजरबैजान का बड़ा दावा, आर्मेनियाई टैंकों और हथियारों पर कब्जा किया। आर्मेनिया का अजरबैजान पर हमला, काराबाख में अजरबैजान का ड्रोन मार गिराया। जंग की भयानक तस्वीर दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष, और हमारी जाबाज टीम दिखाए अजरबैजान के गिरे हुए ड्रोन के टुकड़े। आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रहे सीरिया के आतंकी, आर्मेनिया ने जारी किया वीडियो। आर्मेनिया का सीरियाई आतंकियों पर हमला, अटैक में कई आतंकी ढेर। अजरबैजान ने आर्मेनियाई सैनिकों को बनाया बंधक, सैनिकों से जबरदस्ती लगवाए काराबाख ही अजरबैजान के नारे। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि, रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया। सासाराम की रैली में सीएम नीतीश ने गिनाए काम, कहा 15 साल पहले बिहार का क्या हाल था हर कोई जानता है। सीएम नीतीश ने केंद्र की योजनाओं का बखान किया, कहा पीएम ने बिहार गरीब कल्याण योजना भी शुरू करवाई। सीएम नीतीश बोले बिहार में 15 साल पहले अपराध का राज था, प्रदेश से डॉक्टर्स व्यापारियों को भागना पड़ा था। सीएम नीतीश कुमार ने हर गांव में सोलर लाइट लगवाने का वादा किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में गांव की तस्वीर बदल जाए। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच समझौता कराने के लिए आगे आया अमेरिका, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे माइक पोम्पियो। रूस से S-400 खरीदने के बाद टर्की का एक और कदम, अमेरिका से पैट्रियट सिस्टम खरीदने की तैयारी में टर्की। टर्की में अमेरिका सहित दूसरे विदेशी नागरिकों पर संभावित आतंकी हमले का खतरा, रिपोर्ट आने के बाद टर्की में अमेरिकी संस्थाओं में काम बंद हुआ। यूएन का बैन हटते ही ईरान ने ताकत दिखा दी, रॉकेट और मिसाइलें दागी, डिफेंस सिस्टम बावर 373 का टेस्ट किया। अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा हमला, हमले में 20 जवानों की मौत।
भागलपुर रैली में राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। 22 दिन में कोरोना खत्म करने का वादा किया था, 7 महीने बाद भी संक्रमण नहीं रुका। नवादा की रैली में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों। राहुल बोले जवानों के शहीद होने पर पीएम ने किया क्या, पीएम मोदी ने सेना का अपमान किया। नवादा की रैली में तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला, कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर चुप क्यों। पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा एनडीए ने बिहार को बेरोजगारी के सिवाय क्या दिया। भारत चीन तनाव के बीच रूस का बड़ा फैसला, चीन के साथ सैन्य अभ्यास नहीं। एलएसी पर चीन की खौफनाक साजिश का खुलासा, एलएसी पर लैंडमाइन बिछाने की तैयारी में ड्रैगन। लैंडमाइन के लिए चीन ने रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया, रॉकेट लॉन्चर से बिछाए जा सकते हैं लैंडमाइन। चीन का पिछला गो पाकिस्तान, पीओके में रच रहा है साजिश, एलओसी के पास उड़ाए फाइटर जेट्स। पाकिस्तान की फिर से नापाक हरकत, श्रीनगर में 222 किलोमीटर दूर तैनात किया एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स। सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा, सालों से वीरान पड़ा मिनास एयरफोर्स बेस एक्टिव हुआ। रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट को ऐतिहासिक बताया, बोले मुफ्त वैक्सीन का वादा पूरी तरह से कानून। महाराष्ट्र में पूर्व बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने शरद पवार की मौजूदगी में ज्वाइन की एनसीपी, फडणवीस ने नाराजगी के चलते बीजेपी से दिया था इस्तीफा। भारत ने एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, नौसेना ने आईएनएस प्रबल से मिसाइल लॉन्च की। समुद्र में टारगेट पर अचूक निशाना, समंदर में चीन को मिलेगा करारा जवाब। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान रहेगा, टेरर फंडिंग रोकने में पाकिस्तान फेल रहा, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। गाजा की ओर से इसराइल पर 2 रॉकेट हमले, जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। सीरिया पर अमेरिका का ड्रोन स्ट्राइक, हमले में 14 आतंकियों की मौत हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप बाइडेन की आखिरी डिबेट, दोनों में तीखी बहस हुई। ट्रंप ने चीन पर फिर से साधा निशाना, कहा कोरोना महामारी को लेकर जो चीन ने किया वो बर्दाश्त नहीं। मुंबई सेंट्रल में कार शेड में खड़ी एसी लोकल ट्रेन में भीषण आग लग गई, ट्रेन को नुकसान पहुंचा, रूट पर बंद रही एसी लोकल सेवा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुख्यात गैंगस्टर का सरेआम हंगामा, कार की छत पर बैठकर महिला मित्र के साथ शराब पी और सिगरेट भी उड़ाई। मुंबई में रिक्शा चालक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, विवाद में 35 साल की रिक्शा चालक दुर्गेश ने महिला को सरेआम थप्पड़ से पीटा। महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, मुंबई नवी मुंबई ठाणे में नकली घी बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी। बाइडेन ने ट्रंप को कोविड से हुई मौतों का ठहराया जिम्मेदार, का ऐसा शख्स राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। बाइडेन ने दी चेतावनी, कहा जो देश अमेरिका के चुनाव में दखल देगा उसे कीमत चुकानी होगी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में बोले ट्रंप, कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन का ऐलान होगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट में मास्क पहनकर पहुंचे मेलानिया और इवांका ट्रंप, चेतावनी दी गई। सोशल मीडिया पर बाइडेन से काफी आगे ट्रंप हैं, ट्रंप के फेसबुक पर 130 मिलियन रिएक्शंस। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, पुल कार बहती हुई नजर आई, 3 लोगों को बचाया गया, 2 लापता। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से जंगली जानवर भी बेहाल, ग्रामीणों ने एक अजगर को खंभे से बांध दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में फिर से घरेलू हिंसा की शिकार महिला बनी, बेरहम पति ने पत्नी को लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल में भर्ती। जयपुर में पीएम के लोकल फॉर वोकल मुहिम को रंग दे रहे हैं हुनरमंद, चीन से मुकाबले के लिए घर में तैयार की जा रही है खूबसूरत मूर्तियां। बाइडेन को जान से मारने की चल रही थी साजिश, सुपारी किलर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने ट्वीट किया वीडियो, लोगों को बताए वोटिंग के टिप्स। अमेरिका का चीन पर साइबर चोरी में मदद करने का आरोप, कहा चीन ने की उत्तर कोरिया की मदद। हांगकांग के लोगों को नागरिकता देने वाले ब्रिटेन के बयान पर भड़का चीन, कहा जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए फौरन अपनी गलती ब्रिटेन सुधारे। ब्रिटिश दूतावास के मुताबिक हांगकांग में रहने वाले 3 लाख लोगों के पास बीएनओ पासपोर्ट, करीब 2.9 मिलियन लोग ब्रिटिश नागरिकता के पात्र। नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर पूजा की, नवरात्रि के दिन आज माँ कालरात्रि की होती है पूजा। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी, पीड़िता के गांव में ग्रामीणों से पूछताछ हुई। यूपी में जातीय दंगे कराने की साजिश की जांच तेज, एसटीएफ ने हाथरस मथुरा अलीगढ़ में डेरा डाला। कारोबारी राजीव सक्सेना को राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। देश में एक दिन में कोरोना के 54,000 से ज्यादा नए केस, 690 लोगों की मौत हुई। नाटो बना रहा है स्पेस हब, चीन और रूस के हथियारों पर रखी जाएगी नजर। अगले हफ्ते श्रीलंका और मालदीव के दौरे पर जाएंगे पोम्पियो, चीन के दबदबे को कम करने की होगी कोशिश। यूएन प्रतिबंधों के खत्म होते ही ईरान का शक्ति प्रदर्शन, जमकर दागी मिसाइलें और रॉकेट।
गिनी में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ, हिंसा में 9 लोगों की मौत, कई घायल। गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के मतदान के बाद हंगामा हुआ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कांस्टेबल को बस से अगवा किया गया। दिल्ली की हवा और जहरीली हुई, 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।